Good morning, children. Children, today I have taken a new lesson, our country, India. Children, look at this picture. Whose picture is this? Yes, this is a picture of India. This is a map of India. If I ask you question, what is the name of your country? Yeah, well, our country name is India. अगर आपसे पूछा जाता है आपके देश का क्या नाम है तो आप क्या कहेंगे? India. So children, in this video I will give you exhaustive knowledge about the India. Okay, India is a huge country and beautiful. Here are many beautiful lands. India is a unique country with diversity. Unity is the diversity. Why we say India is a unique country? Because here are we follow the unity. हमारे देश में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, विभिन्नता में हमारे देश में क्या है, एकता है. ठीक है, इंडिया इज नोन फॉर डाइवर्सिटी इज इन रीजन, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस. हियर आर मैनी पीपल, हियर आर 29 स्टेट्स एंड 29 स्टेट्स मैनी पीपल यूजेस आर मैनी लैंग्वेजेस. ओके, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया. India is a part of Asia. If I ask you question, how many continents there are? So, there are 7 continents: Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, North America, and South America. So, India is a part of Asia. इंडिया किसका पार्ट है? एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है. इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इट इज द 7th, ये 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है इन द वर्ल्ड. ठीक है, ये वर्ल्ड में, संसार में 7th लार्जेस्ट कंट्री है. विद मोर देन 100 करोड़ पीपल लिव हियर. यहाँ पर बच्चों कितनी जनसंख्या है? 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ पर क्या है, रहते हैं. इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. इंडिया क्या है, बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है. और ये क्या है, इसका चाइना के बाद 2nd नंबर आता है. फर्स्ट में क्या है, चाइना. इफ एनीबडी आस्क द क्वेश्चन विच कंट्री इज द हाईएस्ट इन पॉपुलेशन, देन चाइना इज द फर्स्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज इंडिया. ओके, फर्स्ट इज चाइना एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज इंडिया. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इंडिया क्या है, बहुत ही सुंदर कंट्री है. आर कंट्री इज नॉट द सेम एवरीवेयर. हमारी कंट्री क्या है, हमारा जो देश है वो सभी जगह क्या है, सेम नहीं है. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, हमारी कंट्री क्या है, एक जैसी नहीं है. आपने अपने देश का, इंडिया का नक्शा देखा है तो उसमें क्या है, सभी जगह क्या है, एक जैसा नहीं होता है. ठीक है, इट हैज मैनी लैंड फॉर्म्स. यहाँ पर क्या है, बहुत से लैंड फॉर्म्स हैं. वी हैव माउंटेन्स, यहाँ क्या है, माउंटेन्स भी है, प्लेन्स भी है, प्लेट्यूज भी है, डेजर्ट भी है और आइलैंड भी है. वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड कैन बोस्ट ऑफ सम सो मच वैरायटी. दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया सो ब्यूटिफुल. इन सब के कारण क्या है, हमारी कंट्री क्या है, बहुत ही सुंदर लगती. Look at children, look at this map. This is a map of India. Firstly children, I tell you about the direction. There are 4 main direction: north, south, west and east. There are 4 main direction. Look at this. This is a Himalayas. Himalayas are located in the north side. ठीक है, ये जो बच्चों आपका है, ये क्या है आपका, नॉर्थ. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ. ये आपका है वेस्ट डायरेक्शन और यहां आपकी नीचे ये है आपका साउथ और ये यहां पर आपका है वेस्ट. ठीक, सॉरी, ईस्ट.
नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. देयर आर फोर मेन डायरेक्शन एंड द हिमालयस आर लोकेटेड इन द नॉर्थ साइड. ठीक है, हिमालय कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है, नॉर्थ साइड में. एंड ऑल्सो नोन एज द नॉर्थन माउंटेन इन इंडिया. हिमालय को हम क्या है, नॉर्थन माउंटेन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टू द नॉर्थन माउंटेन्स द नॉर्थन प्लेन्स. ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, लुक एट दिस नॉर्थन प्लेन्स. नेक्स्ट क्या है आपका, जो नॉर्थन माउंटेन्स है वो क्या है, नॉर्थन प्लेन्स. दीज प्लेन्स वेरी फर्टाइल एंड इरीगेटेड बाय द गंगा. ठीक है, ये क्या है, गंगा. लुक एट दिस, हियर आर गंगा एंड यमुना एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. दीज रिवर फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालय. ठीक है, यहाँ पर जो ये नदी है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी क्या है, पानी. ये देखो यमुना गंगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी पानी क्या है, नदियों में कहाँ से आता है, जो ये हिमालय है, हिमालय क्या है, जब मेल्ट होता है तो यहाँ से पानी बह करके क्या है, इन नदियों में आता है. और ये क्या है, नॉर्थन प्लेन्स एरिया है, तो यहाँ पर ये क्या है, इन नदियों के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, सिंचाई की जाती है. इन द वेस्ट लाइन, लुक एट दिस, इन द वेस्ट लाइन द फेमस ग्रेट इंडियन डेजर्ट. लुक एट दिस, द फेमस ग्रेट इंडियन डेजर्ट, अ हॉट एंड ड्राई रीजन. ये बेटा, ये बच्चों, क्यों इसको हॉट एंड ड्राई रीजन कहा जाता है, क्योंकि यहां पर क्या है, जो सन रेज आती है वो डायरेक्ट क्या है, यहां पर पड़ती है. ठीक है, इट फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्रीज. और बच्चों, ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये फॉर्म, ये क्या है, नेचुरल बाउंड्रीज है. किस किस के बीच में है, देख, जैसे आप देख सकते हैं, पाकिस्तान क्या है, हमारे क्या है, नेबर है, हमारी नेबर कंट्री है. और ये क्या है, फॉर्म नेचुरल बाउंड्रीज वो करती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में. ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्या है, बहुत ही हॉट होता है. ये कैसा होता है, बहुत ही हॉट और ड्राई होता है. ठीक है, और वो हॉट और ड्राई किस कारण होता है, जो सूरज की किरणें पड़ती हैं उस कारण से क्या होता है, ये हॉट और ड्राई होता है. ठीक है बच्चों, डेकन प्लेट्यू, लुक एट दिस, डेकन प्लेट्यू. तो डेकन प्लेट्यू क्या है, साउथर्न पार्ट, जो डेकन प्लेट्यू है वो हमारी कंट्री का क्या है, साउथर्न पार्ट है. ठीक है, ये डेकन प्लेट्यू क्या है, साउथर्न पार्ट है. थ्री वाटर बॉडीज दैट इज अरेबियन सी. लुक एट दिस, थ्री वाटर, इंडिया कवर्ड बाय थ्री वाटर बॉडीज. फर्स्ट इज अरेबियन सी, सेकेंड इज इंडियन ओशियंस एंड थर्ड वन इज बे ऑफ बंगाल. ठीक है, ऑल थ्री सी सराउंडेड द डेकन प्लेट्यूज एंड डेकन प्लेट्यूज ऑन द वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ये क्या है, तीन जो कंट्री, हमारी जो कंट्री है वो क्या है, तीन महासागर से घिरी है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल. ठीक है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल. ठीक है, एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड इन अरेबियन सी एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया. सो चिल्ड्रन, द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया मेक इन वास्ट कंट्री. आर कंट्री इज अ वेरी वास्ट. In India, people residing different part of country belong to different ethnic group and speak different languages. Due to vastness of country, it is divided into 29 states. It is divided into 29 states and 7 territories. Okay? So children, this is the first part of our country.
इन दिस पार्ट आई विल एक्सप्लेन द इंडिया एंड द पार्ट ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन दिस फिजिकल फीचर्स. ओके, दिस इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ विच आई एक्सप्लेन इंडिया. ओके, इन नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन द फिजिकल फीचर्स. आई होप चिल्ड्रन यू ऑल आर अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स रिकैप. इन दिस चैप्टर इंडिया वी लर्न इंडिया इज द वर्ल्ड सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री. इंडिया फिजिकल फीचर्स नॉर्थ माउंटेन्स, नॉर्थन प्लेन्स, ग्रेट इंडिया डेजर्ट, डेकन प्लेट्यू एंड कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड. ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द फिजिकल फीचर्स. ओके, नाउ चिल्ड्रन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चंस आंसर. हियर आर आई हैव गिवन द क्लूज. प्लेन्स, डेजर्ट, साउथर्न थ्री, शिवालिक 3.28 मिलियन अरेबियंस. द डेकन प्लेट्यू इज इन द डैश पार्ट ऑफ इंडिया. आपको बताना है डेकन प्लेट्यू क्या है, इंडिया का कौन सा पार्ट है, नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न. द रिवर नर्मदा फॉल्स इन टू द डैश सी. ठीक है, जो नर्मदा है वो कहाँ गिरती है. डैश आर वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ फ्लैट और जेंटली रोलिंग लैंड. ठीक है, कौन सी जगह क्या होती है, बहुत बड़ी होती है और क्या होता है, फ्लैट होता है. द साउथर्न मोस्ट हिमालयस आर नोन एज. जो साउथर्न मोस्ट हिमालयस है वो किस नाम से जाना जाता है. इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट डैश स्क्वायर किलोमीटर्स. इंडिया का जो एरिया है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर है. इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन साइड्स. इंडिया कितनी साइड से क्या है, कवर है, पानी से कितनी साइड से कवर है. अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड अ डैश. जो भारत का क्या है, लार्ज एरिया जो उससे रेत से कवर्ड है उसे हम क्या कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स. इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया क्या है, थर्ड जो है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. इज इन ट्रू एंड फॉल्स, राइट डाउन. द हिमालयस इज इन द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. हिमालय क्या है, सबसे हाइएस्ट है. इज इन ट्रू एंड फॉल्स. इट इज वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट. डेजर्ट में क्या होता है, रात को बहुत ठंडा होता है. इज इन ट्रू एंड फॉल्स. ऑल रिवर्स इन इंडिया गेट वाटर फ्रॉम स्नो इन द माउंटेन्स. जो सभी नदियों में क्या है, पानी कहाँ से आता है, जब स्नो मेल्ट होती है तब क्या है, नदियों में पानी आता है. इज एन ट्रू एंड फॉल्स. द रिवर्स मेक द गैंगेटिक प्लेन वेरी फर्टाइल. जो रिवर्स है गैंगेटिक, गंगा जो रिवर्स है वो क्या है, फर्टाइल करती है, मतलब उपजाऊ बनाती है भूमि को. इट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड इन डेकन प्लेट्यू. डेकन प्लेट्यू में क्या होता है, ना ही बहुत ठंडा होता है और ना ही बहुत गरम होता है. ओके, राइट डाउन, इट इज ट्रू एंड फॉल्स. डिफाइन इन अ सेंटेंसेस. डेजर्ट, पेंसिला, आइलैंड, प्लेट्यू, प्लेन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंडिया फैक्ट लाइन. राइट डाउन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, करेंसी ऑफ इंडिया, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया एंड पॉपुलेशन ऑफ कैपिटल, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. ठीक है, तो आपने क्या है ये लिखने हैं. ठीक है, पॉपुलेशन लिखनी है, करेंसी लिखनी है, कैपिटल लिखनी है, पॉपुलेशन ऑफ कैपिटल लिखनी है एंड लैंग्वेजेस. ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडिया. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे.